I really love iPhone's camera anyways. Because I'm liking the different shades of this. तो अभी जो फिलहाल ये वीडियो रिकॉर्डिंग है ये लो लाइट कंडीशन की है। हेलो गाइस, एक और वीडियो में आपका स्वागत है और आज का ये जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है। आज मैं खरीदने जा रहा हूँ एप्पल आईफोन 11 जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। एंड डोंट वरी, मेरी किडनी के बारे में चिंता करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरी जो किडनी है बिल्कुल सेफ है आप लोगों के सपोर्ट से। तो आज मैं जाने वाला हूँ दिल्ली के एक कमला नगर मार्केट में, वहाँ पे एक्सपीरियंस लेने वाला हूँ स्टोर का। खरीदेंगे एप्पल का आईफोन 11 प्रो जिसकी कीमत आप सभी लोग जानते हैं। तो चलिए सीधा मैं आपको मिलता हूँ शॉप पे, करेंगे लाइव अनबॉक्सिंग एप्पल आईफोन 11 प्रो का। कौन से वाला चाहिए सर? टॉप वेरिएंट। अच्छा, सबसे महंगे वाला? सबसे महंगा वाला। पैसा अंधा है सर, आप तो यूट्यूब से हो ना। हाँ, पैसा अंधा है, पैसे की टेंशन मत लो, अंधा पैसा है सर। बहुत ज्यादा ही पैसा छाप रहे लगता है। अरे भाई, एक महंगे वाला निकालो जरा, सबसे महंगा आईफोन। किडनी सेफ है? टोटल किडनी सेफ है, बिल्कुल सेफ है सर। आप कहाँ किडनी दोगे? कौन सा कलर लोगे सर? स्पेस ग्रे लोगे? 11 प्रो मैक्स स्पेस ग्रे सर। ग्रीन लोगे? ग्रीन चल रहा है सर लेटेस्ट। बस स्पेस ग्रे दिखाओ। स्पेस ग्रे चाहिए? ठीक है भाई, स्पेस क्रिएट निकालो। वैसे आप कौन हो भाई साहब जी? बस हम भी यहाँ पे देखने आए थे, फोन सोचा कि अच्छा, देख लेंगे तो खुश हो जाएंगे। आपका नाम? अभिषेक। अभिषेक, अच्छा क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, वो छोटा मोटा यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं। ओके गाइस, सो राइट नाउ वी हैव अभिषेक भटनागर फ्रॉम गैजेट्स टू यूज। और चैनल पता है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चेक आउट हिज चैनल, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अभी जाओ भाई का चैनल सब्सक्राइब करो। और आज हमें ये फोन दिलाने वाले हैं अपने पैसे। ये मेरे को फोन दिला रहे हैं, मैं इनको फोन दिला रहा हूँ और हम दोनों ने डिसाइड किया कि आज हम दोनों फोन साथ में लेंगे। आईफोन 11 प्रो मैंने लेना है, प्रो मैक्स मैंने लेना है, 256 GB दोनों का, और उसका अनबॉक्सिंग भी करेंगे यहीं के यहीं आप लोगों के लिए, और साथ साथ कंज्यूमर बाइट्स भी लेंगे जो यहाँ पे लोग आ रहे हैं कि लोग आपको पता चले कि लोग नया आईफोन ले क्यों रहे हैं, क्या रीजन है उसके पीछे। तो चलिए बिलिंग कराते हैं, पैसे कैसे करते हैं। A few moments later. तो दोस्तों, हम लोगों ने आईफोन ले लिए हैं अपने अपने पसंद के। मैंने लिया है आईफोन 11 प्रो सिल्वर 256 GB, और मेरे पास है आईफोन 11 प्रो मैक्स 256 GB। तो चलिए शुरुआत करते हैं अनबॉक्सिंग की। अनबॉक्सिंग इसकी right. देखते हैं क्या है आखिर खास इसमें। राइट बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है इस तरह से। बिल्कुल बिल्कुल, जब लाखों में जाता है पैसा तो बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है। राइट right. तो दोस्तों, मैंने लिया है सिल्वर वाइट, और यू कैन से सिल्वर बेसिकली, और ये है ग्रे। देखो कितना शानदार लग रहा है। तो अगर ये अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन जरूर दबाना, और ये अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब बटन दबाओ। क्या बात है, दिखाओ तो सही कैमरा में तो दिखाओ। राइट, ये है स्पेस ग्रे 256 GB 11 प्रो मैक्स, एंड दिस इज सिल्वर 256 GB 11 प्रो। 11 प्रो, या 256 GB, देखने में कुछ ऐसा लगता है। और आई गेस ये इंडियन रिटेल यूनिट है। हाँ, ये इंडियन रिटेल यूनिट है। तो इन केस यू वांट टू बाय एनी ऑफ द कलर ऑफ योर चॉइस, आईफोन 11, 11 प्रो या 11 प्रो मैक्स का, तो आप कैरी एन ओ नेक्स्ट आ सकते हैं और यहाँ आके आपको सारे वेरिएंट मिल जाएंगे। कोई यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है, जो एग्जैक्ट MRP है उसी MRP पे आपको मिल जाएगा, और साथ में एक हमें टेम्पर्ड ग्लास और केस भी मिल रहा है। ये चीज़ अच्छी लगी, बिग थम्स अप। अभी दिखाते हैं बॉक्स में और क्या क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इस बार फाइनली एप्पल ने हमें फास्ट चार्जर पैकेज के अंदर दे दिया है। क्या बात है, भला हो एप्पल का। चलो, वरना लास्ट टाइम तो अलग से खरीदना पड़ा था। हाँ, लेकिन इस बार ने डोंगल हटा दिया। ये देखो, ये है इसके एयरपॉड्स और वायर्ड वाले बेसिकली। आई हैव द वायरलेस वन, एंड ये है केबल बॉक्स में कंटेंट। ये है केबल आपकी, व्हिच इज गुड। सो दिस इज ऑल वी हैव इन द बॉक्स, जैसे कि आप देख रहे हैं। मतलब 1,23,000 में आपको यही मिलता है। तो ये 1,23,000 है, दिस इज 1,13,000। हालांकि हमने कैशबैक लिया है, बताएंगे नहीं। 900। हाँ, वैसे मैंने कैशबैक लिया है, तकरीबन 6,000 का कैशबैक है। HDFC के डेबिट कार्ड से अगर आप लेते हैं या क्रेडिट कार्ड से लेते हैं तो सिंगल ट्रांजेक्शन पे, सिंगल परचेज पे आपको 6,000 रुपये कैशबैक मिलता है।
जो कि आपको 120 डेज में मिल जाएगा और आपके रिसिप्ट पे लिखा हुआ आएगा. बिल्कुल बिल्कुल. एंड देन इन केस यू आर अ बिजनेस लाइक हिम देन यू कैन गेट जीएसटी रिटर्न एज वेल. सो वो भी सस्ता पड़ेगा. जीएसटी रिटर्न आपने भी लिया है? हाँ वो तो लेंगे सर. वो बट ठीक है वो तो छोटी छोटी बात करते हैं. फोन कौन करते हैं? तो 1 2 3 गो. सो ऑन हो रहा है बेसिकली. सो आप इसे बेसिकली अपने प्राइमरी डिवाइस की तरह इस्तेमाल. हाँ देखो मेरे पास आईफोन 10 था पहले. तो आई एम गोइंग टू बी हैविंग द आईफोन 11 प्रो और मैं एक्साइटेड हूँ उसके ट्रिपल कैमरा को यूज करने के लिए. सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट. अगर मैं अपनी बात करूँ तो इससे पहले मैं एक्सेस मैक्स यूज करता था. तो मैंने भी सोचा चलो इस बार 11 प्रो मैक्स यूज करते हैं. तो फाइनली ऑन हो चुका है और हेलो लिखा हुआ आ रहा है. इसे हटाते सबसे सुकून तो इसे हटाने में मिलता है. आप लोग तभी हटाना जब आप टेम्पर्ड ग्लास ले आओ, क्योंकि अगर ये टूटा ना तो काफी पैसे लग जाएंगे. दिल भी टूटेगा, पता नहीं क्या क्या टूटेगा. नो आइडिया. एग्जैक्टली. सो लेट्स सेट अप द फोन एंड वी विल कम बैक अगेन. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर. सो दोस्तों हमारे साथ मीनल हैं और मीनल ने अभी लिया है आईफोन 11 ब्लैक कलर. सो व्हाई ब्लैक कलर? Because I wanted to buy black this time from rose gold color which I was already using. So it's okay. Going to be a change for me. And aapka previous phone kaun sa tha? iPhone 7. iPhone 7. So that means you have done a very great upgrade after a long time. Yeah, and you waited waiting, for a long time. Yeah, I was waiting for it to launch and I'm here at the same day when it just came into the market. Okay. You never bought the iPhone 8 or maybe 10 or 10s? I think my 7 was working fine till then, but now I started feeling that I need to upgrade it because many things were there which were not there, I mean which were not a part of iPhone 7. So you never compelled yourself to upgrade because you never thought ki it is a great upgrade, it is not a great feature which yeah, I've been added. But now I used to feel that it has gone outdated and I really need to change my phone. Has your iPhone 7 got slow over time? No, I won't say. I don't really. It was fine. So that is a very informed choice, guys. Because she has waited for quite a long time, and this wait is very difficult to do, especially for an iPhone customer. You always want to get the new one, but she has actually upgraded from an iPhone 7, which is a very major upgrade. Hoga, and I hope you like the camera. So camera is something this, for which? Of course. I really love iPhone's camera anyways. Okay, cool. Thank you so much, Meena. Thank you. So हमारे साथ यहाँ जसमीत सिंह हैं और हरलीन कौर हैं. And जसमीत, I think you are the husband, right? Yes, I am. And he is buying the new iPhone 11 for Harleen. Harleen, why He's iPhone 11? He's gifting me. Achha. So why this color? Because I'm liking the different shades of this iPhone. And you already have an iPhone, I guess, right? Yeah. So you plan to shift this one or you plan shift. To give it to him and then upgrade yourself? Obviously, I'll gift him this phone right now. So the new phone jo hai, wo ma'am ke paas jayega. Aur jo purana phone jo hai, wo inke paas jayega. Purana phone mere ko naya phone madam ke paas. Chalo. iPhone 12 banega to iPhone 11 mera iPhone banega. Congratulations on your upgrade and Thank I you hope so you like the phone. Thank yeah. you. A few moments later. So अभी जो फिलहाल ये वीडियो है ये iPhone 11 Pro Max के रियर कैमरे से रिकॉर्ड की जा रही है. तो आपको आइडिया हो जाएगा. तो यहाँ पर आप वाइड एंगल से वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं. तो आपको कैसा लगा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा iPhone अपने 11? मुझे तो देखो सही बात बताऊँ तो वाइट कलर अच्छा लगा, सिल्वर वाला. एंड अगेन ग्रीन अभी हम लोगों ने देखा है. ग्रीन इज एक्चुअली लुकिंग लाइक ग्रे. सो मे बी इट इज अ न्यू कलर बट इट इज लुकिंग लाइक ग्रे. तो मुझे तो पर्सनली ग्रे ही पसंद आया और सर को सिल्वर कलर पसंद आया. सर दिखा दो. और बाकी आप लोगों को कैसा लगा iPhone 11 एंड 11 Pro और वीडियो क्वालिटी कैसी लग रही है? वो जरूर बताना, ये जरूर बताना है. ऑडियो का भी आईडी लग जाएगा. बिल्कुल बिल्कुल. कितनी सेल्फी लोगे यार तुम तो, मतलब आईफोन हाथ में आया नहीं तुमने सेल्फी पे सेल्फी बिल्कुल झड़ी लगा रखी है. तो अभी जो फिलहाल ये वीडियो रिकॉर्डिंग है ये लो लाइट कंडीशन की है और iPhone XS Max Pro के फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड की जा रही है. तो यहाँ पर आपको क्वालिटी का आइडिया हो जाएगा. सर आपको कैसे लग रहे क्वालिटी? ये देखो स्क्रीन पे तो सही लग रहे हैं पर्सनली मुझे. Although I feel the video is looking a little bit dark but that could be because of the display का brightness, क्योंकि फाइनल क्वालिटी हमें पता नहीं. जब हम देखेंगे एक्चुअली में लैपटॉप में तो हमें क्वालिटी पता चलेगी या फिर नॉइज देखने को मिल रहा है या नहीं. कम से कम नेचुरल है वो ओवरसैचुरेटेड वाला फंडा. चलिए थोड़ा रनिंग करते हैं, देखते हैं स्टेबलाइजेशन कैसी है. तो ये चल रहे हैं हम लोग. तो पर्सनली मुझे तो अच्छी लग रही है यार. व्हाट डू थिंक? फेस तो फोकस में है बिल्कुल, बट इफ यू सी द बैकग्राउंड वो इतना ज़्यादा फोकस में नहीं है एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट वेरी स्टेबल जब आप चल रहे हो. बिल्कुल बिल्कुल. बट ठीक है जैसा भी है तो ले लिया, पैसे कट गए. सो अभी गाइस हम आ गए हैं कमला नगर के कैफेटेरिया एंड क्रू में. तो यहाँ पर हम करने वाले हैं
क्या करेंगे, खाना ही खाएंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ हल्का फुल्का खाना ऑर्डर किया है। वेल, जिस तरह का खाना मुझे चाहिए, देसी खाना, बटर चिकन विद बटर नान, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हमें नहीं मिला, तो वो चीज़ मैं मिस करूँगा। चलिए, जो मिलता है वही खा लेते हैं। सो ये है गाइस द ग्रेट इंडियन चिकन प्लेटर। वेल, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो यहाँ पर हमें ये नान मिलता है, इसके बाद ये प्लेटर है, और साथ में यहाँ पर एक पिज्ज़ा है। सब क्या खा रहे हो? सो आई एम हैविंग एक सी फूड का आइटम, इसमें फिश है, इसमें प्रॉन है, एंड सम टाटा सॉस। बेसिकली यू आर इन डाइट। हाँ, मतलब मैं रात को थोड़ा लाइट ही लेता हूँ। लग रहा है, वो लग रहा है। ज़रूरत है। थोड़ा सी हैविंग, व्हाट इज दिस? This is Coke Zero, guys. Sure? You should always Coke. Have Coke sure? Zero. Are you sure this is Coke? Yeah, it is Coke. ओके गाइस, तो हम आ चुके हैं iPhone 11 Pro Max खरीद के। तो बहुत थक चुका हूँ, और अभी जो ये फिलहाल वीडियो रिकॉर्डिंग है, ये भी 11 Pro Max के फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड की जा रही है। तो यहाँ पे मैं कुछ कैमरा सैंपल्स शेयर कर दूंगा, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा इसका जो कैमरा है वो कैसा और कैसे पिक्चर्स क्लिक करता है। तो टेस्ट करूंगा कुछ दिन, एक दो हफ्ते, और उसका मैं एक फुल रिव्यू बनाऊंगा। और अगर आपको कंपैरिजन देखना है किसी दूसरे डिवाइस के साथ, तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना जरूर। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब बस, मिलता हूं मैं आपको एक और नए वीडियो के साथ। गुड बाय।